हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारी बारिश ने मुंबई वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इसकी वजह से कई जगहों पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। कई इलाकों में यातायात भी ठप पड़ गया है। सड़कें हो या गलियां, घुटनों तक पानी जमा है, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों से लेकर गाड़ियों में सफ़र करने वालों तक को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण मुंबई समेत अंधेरी, कुर्ला, मिलन इलाकों में जल भराव से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यातायात पुलिस ने घाटकोपर रेलवे ओवरब्रिज को रात को 2 बजे ही बंद करने की घोषणा की और अन्य जल भराव वाले क्षेत्रों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। गोखले फ्लाईओवर पर केवल हल्के वाहनों को जाने की अनुमति दी गई है, जबकि भारी वाहनों को मिलन फ्लाईओवर या ठाकरे फ्लाईओवर जोगेश्वरी से ले जाया जा सकता है। सायन पुलिस स्टेशन और किंग सर्कल के पास भी सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे गाड़ियाँ रेंग रेंग कर चल रही है। भिवंडी, पालघर और ठाणे में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से कई ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मुंबई में बारिश की तीव्रता में वृद्धि होने की उम्मीद है। मुंबई से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।